नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर पर। देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ी है और अब जमकर बारिश का दौर भी जारी है। हालांकि अगर आप सर्दियों के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान है कि भारत में इस बार असाधारण रूप से जमकर ठंड पड़ेगी। उन्होंने इस साल सितंबर में लानीना की शुरुआत की ओर इशारा किया है, जिससे देश भर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने और बारिश में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लानीना के कारण देश में भीषण सर्दी पड़ेगी। आमतौर पर लानीना अप्रैल और जून के बीच शुरू होता है, अक्टूबर से फरवरी के बीच मजबूत होता है और 9 महीने से 2 साल तक रहता है, जो तेज पूर्वी हवाओं द्वारा संचालित होता है और समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलता है, जिससे समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। आपको बता दें कि ये अलिनो के बिल्कुल विपरीत है, जो गर्म स्थिति लाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में विशेष रूप से बेहद ठंडी स्थितियां देखी जाती हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यहां पर भी तापमान संभावित रूप से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि ठंडा मौसम और अधिक बारिश कृषि को प्रभावित कर सकती है। इनमें खासतौर पर ऐसे इलाके शामिल हैं जो सर्दियों की फसलों पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार लानीना का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। मानसून का सीजन आमतौर पर सितंबर में समाप्त हो जाता है, हालांकि इस साल ये आगे बढ़ रहा है। इसका संबंध समुद्र के ठंडा होने से है, जिस कारण मौसम का सामान्य पैटर्न बाधित हुआ है। खासतौर पर दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से पर्याप्त हीटिंग, आवश्यक आपूर्ति के स्टॉक और मौसम को लेकर अपडेट रहकर सर्दियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि लालेना के दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है और इसके बाद पूर्वी हवाएं मजबूत हो जाती हैं, जिससे कि दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर अधिक ठंडा पानी जमा हो जाता है और वे ठंडक वायुमंडल को इस तरह से प्रभावित करती है जो पूरे ग्रह पर प्रतिध्वनित होती है। लालेना के दौरान कुछ क्षेत्र तूफानी हो जाते हैं और अन्य शुष्क हो जाते हैं। वही मौसम विभाग का यह अनुमान जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन को समझने और उससे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की याद दिलाता है। लानीना का प्रभाव जिस तरह से अधिक स्पष्ट हो रहा है, ऐसे में लोगों और समुदायों को अतिरिक्त सावधानी रखने की काफी जरूरत है। तो ऐसे में आप भी मौसम को लेकर सतर्क रहें और साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।